subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. Thank you.
सुबह आ गई। देखो, अगर तुम अपना सपना नहीं तोड़ोगी तो रात को फिर से शुरू होना पड़ेगा। तुमने कैसे जाना मैं सपना देख रही थी? तुम्हारे चेहरे से बात को जानने की आदत हो गई है मुझे। क्या सपना देख रही थी हमें भी पता हो ना। जलने लगोगे। अच्छा तो तुम किसी और का सपना देख रही थी। पापा, हमारी बीवी भी मॉडर्न बन गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फायदा तो हमें ही होगा। अच्छा तो आज समय आपके लिए रुकने वाला है। 7 बजे की गाड़ी है, अब तो उठ जाइए विनोद साहब। बहादुर ड्राइवर आ गया। जी भाई साहब। आपका सामान नीचे रखवा दो। डार्लिंग टी। ओ नमस्ते साहब। नमस्ते। अरे सुनो। जी। बैग आगे रखना डिग्गी में। नहीं। जी साहब। कमन हरी अब डार्लिंग। मीटिंग कल तक खत्म नहीं होगी। पॉसिबल, शायद मैं कल वापस आ जाऊं। दादी। मिट्ठू, अब सो अली। आप तैयार हो गए? मैं भी स्टेशन चलूंगा। ओह लवली, लेकिन मैं 5 मिनट में निकलने वाला हूं। मैं सारी बोर्डिंग का चैंपियन हूं, मैं 2.5 मिनट में तैयार होकर आऊंगा। बहादुर बाबा साहब का दूध लाना। जी भाई साहब। ओहो, बिल्कुल मिठू हो। काफी स्मार्ट हो गया ना, और ऊंचा भी। बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या स्मार्ट या ऊंचा? ऑफ कोर्स मम्मी, आज जाएंगे देखेंगे। नहीं नहीं, तुम सुनील और मणि को लेकर जाओ, मुझे जाएंगे नहीं देखनी। नहीं, मैं मणि को नहीं ले जाऊंगा। क्यों, क्या बात है? फिर झगड़ा होगा क्या? हाँ। इस बार क्या हुआ? रहने दो ना माँ। मिठू, जब तक तुम नहीं बताओगे तुम्हारी मम्मी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम जानते हो छोटी छोटी बातों पर तुम्हारी मम्मी कितना सोचती है, खामखा परेशानी अपने आप पे खींच लेती है। हाँ बताओ। वही पुरानी बात माँ, वही किताब वाली। तुमने माफी मांगी? वो बहुत गाली देता है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। नहीं मिठू, गलती तुम्हारी थी, तुम्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। मम्मी इज सच अ फाइटर कॉक। फिर वही तुम्हारा सही गलत का चक्कर है। मिठू, मम्मी तुम्हें कभी गलत नहीं कहेंगी, माफी मांग लो। ओके। कहाँ लगी है जाएंगो? श्री सिनेमा में। श्री? कई साल पहले हम वहीं पड़ोस में रहते थे। क्या दिन निकाले हमने वहां, हर रोज नई मुसीबत आती थी उस घर में। विनोद याद है उस दिन वो मद्रास में? मीना प्लीज, पिछली बातों को याद करना इतना जरूरी है क्या? उसे भूल जाओ। काफी देर हो चुकी है, गाड़ी छूटने वाली होगी। तुम लोग यहीं से चले जाना, मैं भागता हूँ। बाय मिठू। बाय। बाय, मैं जल्दी आऊंगा। कम सून। या भज्जी, प्याज और मिर्ची थोड़ी और काटना। डैडी के लिए दो। मेरे लिए? डैडी के रूम में रख दो। चिकन तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना।
डोनाल्ड हाउस कुलाबा बम्बई मानसिंह मिसेस जोशी मुझमें अब अपने आप से लड़ते रहने की हिम्मत नहीं रही मैंने अपनी आंखों से देखा है काले का खून सुब्रमण्यम ने नहीं आपके पति ने किया है झूठी गवाही देकर उस गरीब को जेल भिजवा दिया इस चोरी के रुपए से आप लोग अचानक बड़े आदमी बन गए इस सच्चाई को मैंने 10 साल अपने सीने में दबा कर रखा है शायद अब और मुमकिन नहीं सोचता हूँ पुलिस के पास जाना चाहिए क्या हंसी विनो क्या कह रहा है जोशी मुझे अपने आप से लड़ते रहने की मैंने अपनी आंखों से देखा काले का खून सुब्रमण्यम ने नहीं आपके पति ने किया है चोरी के रुपए से अचानक बड़े आदमी बन गए आहिस्ते 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 बाबा साहब संभालो वो खत पढ़कर मैं बिखर क्यों नहीं गई न कोई चोट ना कोई सदमा किसी ने बहुत घटिया मजाक किया है जी मानसिंह ये मानसिंह कौन है विनोद हमेशा पिछली बातों से परेशान क्यों हो जाता है जरूर कोई बात है नहीं नहीं विनोद एक चोर एक खूनी ये तो हो ही नहीं सकता लेकिन अगर ये सच है तो मिट्ठू उस पर क्या बीतेगी कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं ये बात विनोद को बता दूं भाई साहब या खाना कितने बजे होगा जल्दी खाएंगे तुम टेबल लगा दो अरे ढील छोड़ो सही मिट्ठू चलो अपनी पतंग छोड़ो देखो तुम्हें नहाना भी है आज जल्दी खाएंगे जल्दी सोएंगे अच्छा फिर कॉमिक्स पढ़ने आए या सोने आए हो दोनों अच्छा मगर ज्यादा देर तक नहीं पढ़ना बेटे दूध पी लो मिट्टू जिद नहीं करते देखो फिर डैडी की तरह कैसे बनोगे ओके मम्मी आज जाएंगे में बहुत मजा आया झिशुम झिशुम पिस्टल मारता है वो और खून ही खून निकल आया क्या हुआ चोट लगी नहीं तो ये खून क्या हुआ हमारे ऑफिस में खून हुआ खून जल्दी आ गया ना अरे मीना ए बहुत प्यार आ रहा है हाय डैड मिस्टर जोशी हाउ आर यू फाइन अब फिशिंग के लिए कब जाना है टुमारो टुमारो अरे कल तो मुझे बहुत काम है अरे मीना डार्लिंग आई लव यू सो मच मेरा विनोद यही है एक खूनी कैसा होता है इतना सा प्यार उसे बता दूं सब कुछ नहीं मुझे उस मजाक को भूल जाना चाहिए विनोद कितना अच्छा है कितना मासूम है मीना तुम आज कितनी अच्छी लग रही हो पता नहीं तुम मुझे कैसे मिल गई मैं सच कहता हूं मीना मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं
कल मिठू को सरप्राइज देते हैं, बीच चलते हैं। मैं लंच के बाद ऑफिस जाऊंगा। अच्छा मिठू ये बताओ, छह हाथी एक गाड़ी में कैसे बैठे? ये तो पुरानी है डैडी। अच्छा तुम्हें मालूम है? लॉर्ड वांटर्स। अच्छा चलो बताओ, अगर मालूम है तो। ओके, तीन आगे और तीन पीछे। ए, मम्मी ने तुम्हें बुलाया। क्या हुआ, मुंह में पानी चला गया? जब दिल ही टूट। आई साला क्या कर रहा है? कर रही है। कर रहा है, हमारा बेटा होगा, समझी? मीना, हमारा बेटा इन हालातों में नहीं रहेगा। उसे वो हर चीज मिलेगी जो मुझे नहीं मिली। वन टू थ्री। वी कैन शो यू डैडी। वॉच इट शो मी। मिठू चलो। क्या हमारे सुख के लिए विनोद फोन कर सकता है? आएंगे आएंगे, चलो। ए चीटा, तुम पहले भाग गए, तुम पहले भागे। चीटा चीटा चीटा। मम्मी कम ऑन, तुम भी चलो। चलो ना। नहीं मिठू आज नहीं। चलो ना, पानी बहुत ठंडा है, बहुत मजा आएगा। बोलिए। चलो कम ऑन। नहीं मैं दूसरे कपड़े नहीं लाई। सो व्हाट, आज भीड़ भी नहीं। नहीं नहीं मिठू, वन टू थ्री। नहीं 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 नहीं, क्या बात है मीना, कम ऑन रिलैक्स, एंजॉय योरसेल्फ। तबीयत तो ठीक है ना? मुझे और नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। मीना एक चपाती देना। मीना कहाँ हो, एक चपाती दो ना। विनोद ही सब कुछ है मेरे लिए, सब कुछ। कितना सुख दिया है मुझे। दादी, याद है कि गंजर नारवन जाना है? हाँ मुझे याद है, नेक्स्ट वीक जाएंगे। अंजल अंकल देसर, मुझे शिकार जाना है। अभी शिकार के लिए तुम्हें वक्त है, क्यों मम्मी? शिकार विकार कुछ नहीं। सुन लिया? ओ माँ, आई एम ओल्ड इनफ। बहादुर बात दो। जी। आई मस्ट बी नॉर्मल, मुझे अपने आप पे काबू रखना चाहिए। क्या हुआ मीना, तुमने कुछ खाया नहीं? नहीं मैंने खा लिया। दादी दाल देना। हाँ हाँ कटोरी ला। मीना तुम्हारा नेल कटर कहाँ है? ड्रेसिंग टेबल पर होगा। तुम्हें ये लेटर कब मिला? जब तुम पूना में थे। तुमने मुझे बताया नहीं? विनोद मैं तुम्हें विनोद मैं सचमुच तुमको। तो इस चिट्ठी की वजह से तुम इतने दिनों से परेशान थी, और मैं समझता था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है।
मीना, क्या तुम्हें इस चिट्ठी पे यकीन है? मीना, क्या तुम इस चिट्ठी को सच मानती हो? मीना, तुम बोलो मीना, बोलो। मैं बता देती विनोद, मैंने बात मानी नहीं। मीना, तुम मुझे मेरा मन, तुमने मुझसे बात छुपाई इसलिए तुम्हारा मन ओके, तुमने बात बता दी, मेरा मन हल्का हो जाएगा। ओके, प्लीज डार्लिंग, रोना बंद करो प्लीज। ये लो आइसक्रीम वगैरह के लिए। अच्छा मम्मी, और दो ना, सुनील भी साथ है। ₹5 और बस। थैंक यू। हाय एवरीबॉडी। डैडी, आज आप जल्दी आ गए। हाँ बेटे, आज ज्यादा काम नहीं था, परसों मुझे दिल्ली जाना है, सोचा आज कुछ वक्त अपने घर की कंपनी में बिताया जाए। मिट्ठू, हे चलो अलीबाग चलते हैं, कल दोपहर तक वापस आ जाएंगे। नो डैड, आज जॉनीज रिवेंज का आखिरी दिन है और सुनील भी इंतजार कर रहा है। बाय मिट्ठू। बाय, रास्ता संभाल के क्रॉस करना। हाँ मां, जॉनीज रिवेंज, अलीबाग जाना था तो फोन कर दिया होता। You're right. मुझे फोन कर देना चाहिए था। भाई साहब, अलीबाग नहीं तो नहीं, हमारे करीब तो आइए। आप हैं, हम हैं, हम दोनों हैं। मीना, बहुत दिनों से तुम्हारी उंगलियां मेरे बालों में नहीं घूमी, चलो शुरू हो जाओ। लवली, विनोद क्या ये सच है? क्या क्या मीना, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, तुम दोगी। क्या तुम समझती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या सोच रही हो मीना, तुम मुझे सबसे अच्छी तरह जानती हो। क्या मैं किसी का खून कर सकता हूं पैसे के लिए, एक बेगुनाह को जेल भिजवा सकता हूं? बोलो, जवाब दो मीना। इसका मतलब है तुम्हें इस खत पे यकीन है? नहीं विनोद। तो फिर तुमने मुझसे पूछा क्यों? विनोद मेरा हाथ। क्या तुमने मान लिया कि मैं खूनी हूं? नहीं विनोद, मेरा ये मतलब नहीं है, ये तो वो खत है। मुझे समझाओ विनोद, मैं समझना चाहती हूँ। क्या समझना चाहती हो? सब कुछ, ये मानसिंह कौन है? मानसिंह हमारी फर्म का एक जूनियर क्लर्क था, मैं उसे अच्छी तरह नहीं जानता था। वो कहता है कि कत्ल की रात वो वहां मौजूद था, मैंने उसे नहीं देखा। केस के बाद उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, ये कहकर खून मैंने किया है। तुमने ये पुलिस को क्यों नहीं बताया? मीना, तुम जानती हो कि केस के वक्त मैं कितना परेशान था, और फिर जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो डरने की क्या जरूरत थी? अगर ये सच होता तो वो खुद पुलिस के पास क्यों नहीं गया? वो सिर्फ तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? इसलिए मीना कि उस रात सिर्फ सुब्रमण्यम, मैं और काले ओवरटाइम कर रहे थे, चौकीदार भी दिखाई नहीं दिया। ये बदमाश सिर्फ मुझे धमकाकर पैसे वसूल करना चाहता है। कैसे? मौके का फायदा उठाकर। अगर कोई कमजोर होता तो डर जाता, लेकिन मैं नहीं। केस के बाद वो अचानक गायब हो गया, और अब फिर इतने सालों बाद वो पिछले हफ्ते मेरे ऑफिस आया, मैंने उसे मिलने से इनकार कर दिया, और अब ये लेटर जिस पे तुमने यकीन कर लिया है। नहीं विनोद, नहीं, अब नहीं। मिट्टू वीकली बाद में पढ़ना, पहले अपना दूध पियो। दिस सेक्शन गाइस रियली नॉट जान। क्या आज ऑफिस जाना जरूरी है? हाँ, जाने से पहले जितना काम हो जाए अच्छा है, नहीं तो दिल्ली से आने पे तकलीफ होगी। डैड,
वीकली में आपका ऑफिस का नाम है। दिखाओ दिखाओ। अच्छा देखें देखें। चोरी और खून के लिए पकड़ा, वहाँ अपने डैडी और चोरी के रुपए भी नहीं मिले। गुडनेस 1 लाख और ये सब आपके ऑफिस में। बताए ना डैडी, आप वहाँ पर थे? मिट्टू चलो अपना दूध पियो। रियली उसने खून किया? सब बकवास है। तो फिर वो जेल कैसे गया और अभी तक जेल में है क्या? मिट्ठू दूध पियो अपना। जस्ट इमेजिन, इतने साल हुए और पुलिस अभी तक हैरान है। डैडी यू मस्ट टेल मी द होल स्टोरी। मिट्ठू दूध पियो अपना। दिल्ली जाने के बैग तैयार रखना। बाय मिट्ठू। बाय। सब बकवास है। डैम इट, आज ही आना था इसको। जब भी इस बात का जिक्र होता है तुम परेशान हो जाते हो। ऐसा क्यों है विनोद? इससे मेरी जिंदगी का एक हिस्सा जुड़ा है जो अब खत्म हो चुका है। मैं उसकी परछाई से भी दूर रहना चाहता हूं। वो सब एक डरावना से सपना लगता है। मीना, उस लेटर को भूल जाओ। खुश रहने के लिए हमारे पास क्या नहीं है? मीना प्लीज भूल जाओ मेरे लिए। अलार्म लगा दिया? चलो सो जाओ मीना। गोली जरूरी थी, कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आदत लग जाएगी। हाँ मीना जरूरी है, वरना नींद नहीं आती। केस शुरू होने वाला है।
मुझे घबराहट हो रही है। उन दिनों विनोद का बार बार पर चिढ़ जाना, नींद की गोलियां, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पैसे मिले? नहीं। तो मुझे किसी ना किसी तरह इंतजाम करना ही पड़ेगा। आप मेरे गहने ले लीजिए प्लीज। डोंट बी सिली, हरगिज नहीं। पैसों की तो सख्त जरूरत है, लेकिन उन्हें मैं हासिल करके ही रहूंगा। उन दिनों हमें हमेशा पैसों की जरूरत होती थी। काश मुझे इसके बारे में ज्यादा मालूम होता। विनोद ने ये बात हमेशा अपने तक ही रखी। हमारे पास इतना पैसा कहां से आया? केस के फौरन बाद पुलिस को रुपया नहीं मिला। खून हुआ। विनोद, आखिर ये मानसिंह है कौन? इतने दिन चुप क्यों रहा? पुलिस के पास क्यों नहीं गया? क्या तुमने उसे रुपए दिए? डैडी डीले क्यों है? प्लेन हैदराबाद से लेट आया बेटे। वो जाम्बो है ना? हाँ। उसमें रोल्स रॉयस का इंजन होता है ना? हाँ शायद। आपका प्लेन कौन सा है? वो वाला बोइंग। डैडी लुक योर लगेज। मिट्ठू गिर जाओगे। सुनो जाओ, तुम अपने लिए कॉमिक्स लेकर आओ। गुड वन मस्ट। थैंक्स डैडी। IC 105 अब बेंगलोर जाने के लिए तैयार है। यात्रियों से निवेदन है कि वे कृपया अपने विमान की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। मीना, तुम्हारी परेशानी दूर नहीं हुई। मेरी समझ में नहीं आता मीना, तुम मेरी बीवी हो, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और एक खत ने मुझ में तुम्हारे विश्वास को तोड़ दिया। नहीं विनोद, मैं तुम पर विश्वास करना चाहती हूँ। 10-12 साल एक साथ रहने के बाद तुम कहती हो कि तुम मुझ पर विश्वास करना चाहती हो? मीना, इतने दिनों के बाद विश्वास किया नहीं जाता, हो जाता है। क्या हमारा प्यार इतना कमजोर है? क्या एक खत को तुम हमारी जिंदगी से बाहर नहीं फेंक सकती? विनोद, तुम्हें वो पैसे कहां से मिले? कौन से पैसे? जिससे हमने अलीबाग का घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, केस के बाद अमीर आदमी बन गए। ओ, तो बात यहां तक पहुंच गई है। विनोद, मैं तो सिर्फ मीना, आई एम नो लॉन्गर अ सस्पेक्ट। तुमने मुझे एक मुजरिम बना दिया है। विनोद, कदम कदम पर सवाल पूछोगी, बात बात पर बहस करोगी। मीना, तुम्हारी आंखें Sorry. You should be. Anyway, सवाल अच्छा है। तुम्हें जानना जरूरी है तो सुनो। ये रुपया मैंने शेयर मार्केट में कमाया, केस के फौरन बाद। लेकिन ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। मीना, अगर तुम एक एक पैसे का हिसाब मांगोगी, ना मैं दे सकता हूं ना मैं दूंगा। मीना, तुम्हारे दिमाग में जो शक की लकीर बन गई है, वो हमारे बीच दीवार बन सकती है। मैं जानता हूं कि सच और झूठ के बारे में तुम ज्यादा सोचती हो, और कभी कभी ज्यादा सोचने से झूठ भी सच लगने लगता है। लेकिन मीना, खुशियां मांगने से नहीं मिलती, उन्हें हासिल करना पड़ता है। और अगर एक बार वो बिखर जाए तो ना तुम समेट सकोगी ना मैं। मिठू अभी छोटा है, अगर कुछ हो गया तो वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। तुम चुप क्यों हो? बोलो मीना, रोने धोने से कुछ नहीं होगा।
मेरे दिल्ली से आने तक ये सब खत्म हो जाना चाहिए। तुम कुछ भी करो मीना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस तरह नहीं जी सकता। डैडी डैडी जल्दी चलिए, आपका फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो गया है। हाँ मैंने सुना, कॉमिक्स ले ली? या मम्मी कम ऑन जल्दी चलो। अच्छा मिठू बाय। डैडी देखिए ना, आप दो दिन के लिए जा रहे हो और मम्मी रो रही है। विनोद मुझे माफ कर देना, मेरा जानना जरूरी है। जब हम ओवर टाइम करते हैं तो चौकीदार नीचे से 8:30 बजे चाय लेके आता है। मैं चाय के लिए बेचैन था और मैंने अपनी घड़ी देखी, 8:25 बजे थे और उसी वक्त मुझे एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। मेरा कैबिन कॉरिडोर के एक और है, काले के कैबिन से करीब 30 फीट दूर। मैं कैबिन से बाहर आया और देखा कॉरिडोर में काले अपने कैबिन के सामने गिर रहा था, हाथ से सीढ़ियों की तरफ इशारा कर रहा था, वो खून से भरा हुआ था। मैंने उसे अपनी गोद में लिया, वो बुदबुदा रहा था सुबह सुबह। मैंने उसे जमीन पर रखा और सीढ़ियों की तरफ भागा। हाँ ये मेरा पेपर नाइफ है, मेरे उंगलियों के निशान होंगे। मैं ऑफिस में खत वगैरह खोलने के लिए हर रोज इसे इस्तेमाल करता था। ये चाकू हमेशा मेरे टेबल पे हुआ करता था और मेरा टेबल काले के केबिन के सामने था। सीढ़िया बाथरूम के पड़ोस में थी, कॉरिडोर की एक और। मैंने ऑफिस 8:15 बजे छोड़ा। मैंने काले से कहा था कि शायद मैं जल्दी घर जाऊंगा, मुझे घर जाते किसी ने नहीं देखा। हम लोग सब जानते थे कि उस रात काले के कैबिन में पैसा था और काले के बाथरूम जाने की आदत भी सारे ऑफिस में मशहूर थी। बाथरूम में 15-20 मिनट तो लगते ही थे उसे। वैसे ऑफिस में से कोई भी कर सकता था ये। खुद मैंने नहीं किया है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे मार सकता हूं काले को? मेरा अच्छा दोस्त था, कितने बार मुझसे तिजोरी खुलवाता था। लेकिन जब मैं सीढ़ियों पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। मैंने दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर देखा, वहां भी कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक सुब्रमण्यम बिल्डिंग से बाहर निकला, वो घबरा कर इधर उधर देखकर भाग रहा था। उसके हाथ में एक पेपर पार्सल भी था। ये सब झूठ है, जोशी काले के साथ अकेला था, वो भी ये सब कर सकता था, उसने ये सब किया होगा। मैं क्यों करूं ये सब? वो आदमी सुब्रमण्यम ही था, मैंने उसे पहचाना है। और कौन हो सकता है? साधारण सा कद, गठा हुआ बदन, थोड़ा सा गंजा। वो कोई और था। खून मैंने नहीं किया है, मेरे पास पैसे नहीं है। जोशी ने जिसको देखा वो कोई और था। मैंने आपसे बताया कि नीचे लाइट थी, मुझे यकीन है कि वो आदमी सुब्रमण्यम था। काले भी उसी का नाम ले रहा था। वो आदमी को सुब्रमण्यम ही होना चाहिए, और कौन हो सकता है? और इसलिए मैं तुम्हें सख्त मजदूरी की उम्र कैद की सजा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। कोई तो मुझे बचा। नहीं नहीं, आप ये कर नहीं सकते। मैंने कुछ नहीं किया, किसी को नहीं मारा मैंने। नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे बचा, भगवान के लिए मुझे बचा। मेरे बेबी और बच्चों का क्या होगा? ये तो जिंदा मौत है।
अगर सचमुच सुब्रमण्यम चला गया था तो वहाँ कोई और भी था जो रुपए लेके भागा। जिसे विनोद ने देखा वो सुब्रमण्यम था। क्या क्या विनोद ने सचमुच सुब्रमण्यम को देखा? ये तो विनोद का कहना है। बात सिर्फ विनोद और सुब्रमण्यम के बीच है। मम्मी नहीं नहीं, नहीं। मम्मी कल मैं सुनील को लंच पे बुलाऊं या डिनर पर? मिठू दूध नहीं पियोगे? लिया माँ। लंच पे बुला लेना। तब मानसिंह कहाँ था? रुपए कहाँ गए? सुब्रमण्यम के पास तो नहीं है। मम्मी आजकल तुम मेरे साथ बात नहीं करती और डैडी भी नहीं है। ओ मिठू। बोलो ललिता, वो बात किसने बोला? बोलना। जयराम ने बोला। जयराम, मैं मिसेस जोशी। मिसेस जोशी? मिसेस विनोद जोशी। तो आप मिसेस जोशी है? जयराम, ललिता को लेकर नीचे जाओ। मैं नहीं जाता। मैं बोलती हूँ जाओ। और जब तक मैं नहीं बुलाऊं ऊपर नहीं आने का वापस। ले पाओ पाओ पाओ। और सुनो जयराम, वो होटल में नहीं जाने का। जाओ। हाँ मेरे पति, जब हंसी खुशी के दिन थे, हमारा जीवन एक सपना था, लेकिन कब तक? उनकी बहनों की शादी आ गई, रुपया उधार लेना पड़ा, हंसी चली गई, हमारा जयराम भी बीमार पड़ गया, फिर डॉक्टर की फीस, दवाइयां, रुपया, सब एक वजह बन गई शराब पीने के लिए। लेकिन आप किस खुशी में आई हैं यहाँ? मैं जानती हूँ, तुम्हारा चेहरा दिखा रहा है, तुम्हारा गुनाह तुम्हें यहाँ खींच कर लाया है। नहीं नहीं तो हमारी बर्बादी का तमाशा देखने आई हो? देखो देखो देखो, अपनी आंखों से देखो। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, आवारा घूमते हैं, झूठ बोलते हैं। देखो इस घर को, देखो मुझे, देखो मेरी हालत देखो। पड़ोसी हमें कचरा समझते हैं, लेकिन फिर भी हम जिंदा हैं। पूछो कैसे, क्या खाते हैं हम लोग? वही 1,00,000 रुपया। क्या तुम्हें चारों तरफ यहाँ नजर नहीं आता? 1,00,000 रुपया नजर नहीं आता? मेरे बेचारे पति, कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। वो काले, उसका एक ही एक दोस्त, उसके उंगलियों के निशान काले के हर चीज पर था। लेकिन वो दोस्त का हुआ आदमी मरते वक्त अपने दोस्त को बर्बाद करके गया, और मिस्टर जोशी की 20 मिनट की गवाही, सिर्फ 20 मिनट। उसने मेरे पति की किस्मत ही खराब थी, ज्यादा शराब पी ली, देर से घर आया, और बस हमारा कोई बड़ा हमदर्द भी नहीं था, क्योंकि हम सीधे सादा लोग थे। और मिस्टर जोशी, उन्होंने तो दूसरा माला से उनको देख लिया था, वो भी अंधेरे में। हाँ, और अब क्या तुम हमें उजाले में देखने आए हो? खोल दो दरवाजा। जिस हवा में हम जीते हैं ना, वहां तो तुम सांस भी नहीं ले सकती। अरे खोल दो, ये दरवाजा तो हमेशा खुला रहता है, सारी दुनिया हमारी हालत जानती है। खोल दो। और मिसेस जोशी, तुम जाओ जाओ यहाँ से, जाओ अपने पति के पास, अपने बच्चे के पास। मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी, उन्हें अपने बाप की जरूरत है, जिन्हें तुम लोगों ने छीना है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पालूंगी। पूछो कैसे कैसे मैं उन्हें पालने के लिए रुपया कहाँ से लाऊंगी, कैसे लाऊंगी? और भी कुछ जानना है, और भी कुछ सुनना है? अपना दिल ठंडा करके जाओ यहाँ से, पूछो और पूछो, नहीं तो भागो यहाँ से, निकल जाओ इस सच्चाई से, अपने खाबों की दुनिया में भाग जाओ, और तुम लोग खड़े रहकर तमाशा देखो। हाँ, और आता भी क्या है किसी को यहाँ? मिसेस सुब्रमण्यम, मैं क्या करती उसकी जगह?
लक्ष्मी बिल्डिंग माटुंगा। ड्राइवर, किसी से पूछ लो डोनाल्ड हाउस कहाँ है। डोनाल्ड हाउस किधर है? वो आगे जाके लेफ्ट टर्न मारो, इलेक्ट्रिक हाउस के सामने। मानसिंह साहब कहाँ रहते हैं? पहले माले पर रहते हैं। मानसिंह साहब हैं। भाई देखो कौन आया है। यस, क्या है? मानसिंह साहब यहाँ रहते हैं? जी हाँ। मैं मिलना चाहती हूँ। आइए। बैठिए, बैठिए ना। मैं ठीक हूँ। यहाँ बैठिए। मैं अभी उनको बुलाती हूँ। मान, तुमसे कोई मिलने आया है। आइए, अंदर आइए। आइए ना। आप? मैं मिसेस जोशी हूँ। हाँ हाँ, आइए आइए। माफ कीजिएगा, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। बैठिए बैठिए, रोजी बैठने के लिए कुछ दो, आप यहीं बैठ सकती हैं। इतने साल हुए मैंने पहचाना नहीं। रोजी तुम अंदर जाओ, चाय वे भेजो, और जब तक मैं ना बुलाऊं मत आओ। Oh man, I won't get in your way. रोजी, मुझे कुछ प्राइवेट बातें करनी है। ओके। जाओ चाय भेजो। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, जाओ रेडियो ले जाओ। आप काफी बदल गई हैं मिसेस जोशी। मुझे याद है मैंने आपको केस के दौरान देखा था। विनोद भी तो पहले वाला विनोद नहीं रहा। मिस्टर मानसिंह, आपका खत मैं समझ नहीं पा रही। मेरा ख्याल सही था, आपको इस बारे में कुछ मालूम नहीं। किस बारे में? खून के बारे में। लेकिन मैंने तो पूरा केस पढ़ा है।
बड़ा है, मगर मैंने तो पूरा केस सुना और देखा भी है। इसे जोशी, मुझे तो विनोद का चेहरा भी याद है, विटनेस बॉक्स में घबराया हुआ, डरा हुआ। मेरी भी यही हालत थी, मुझे भी बहुत कुछ भुगतना पड़ा। लेकिन विनोद ने सुब्रमण्यम को देखा था। वाकई? अंधेरी रात में, दूसरी मंजिल से? हाँ, विनोद ने सुब्रमण्यम को देखा और दौलतमंद बन गया। मैं मानता हूँ मुझे भी कुछ दिनों तक खिलाया, मगर जब मैं बीमार पड़ गया उसने मुझे मरा हुआ समझ लिया। मिसेस जोशी, 8 साल से मैं रोज मर रहा हूँ, और विनोद उसने मेरा ख्याल भी नहीं किया। कुछ दिन पहले मैं उससे मिलने गया, कितनी मुश्किल से मिसेस जोशी, अब वो मुझे देखने से भी इनकार कर दिया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन वो खून, मैं कभी नहीं भूल सकता। मिसेस जोशी, वो खून मुझे चैन लेने नहीं दे रहा है। विनोद इसके लिए पहले से तैयार था। मिसेस जोशी, मैं भूल नहीं सकता वो खून की धार, दर्दनाक चीख, मुझे रोज सपने में वही दिखाई देता है। मैं भी चैन से सोना चाहता हूँ, मुझे भी नींद की जरूरत है। इससे ज्यादा क्या होगा, जेल जाना पड़ेगा। मगर अब तो मुझे पुलिस के पास जाना ही चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। आप मुझे ऐसा करने से रोक रही हैं मिसेस जोशी, लेकिन उस खून का फायदा आपको 10 साल से पहुंच रहा है। कभी मिसेस सुब्रमण्यम के बारे में सोचा है आपने? लेकिन ये खून सुब्रमण्यम ने किया है। आप इतनी यकीन से कहती हैं मिसेस जोशी, वो खून मैंने अपनी आंखों से देखा है। विनोद और मुझे दोनों को पैसों की बहुत जरूरत थी। हमने अकाउंटेंट काले के सेफ से चुराने का प्लान बनाया। एक दिन मौका मिल गया। सुब्रमण्यम, काले और विनोद ओवर टाइम कर रहे थे। चौकीदार चाय लाने गया, किस्मत से सुब्रमण्यम ऑफिस छोड़कर चला गया। जैसे काले बाथरूम गया, विनोद मुझे चाबी देकर काले के कैबिन में जाने के लिए कहा। खुद सुब्रमण्यम का पेपर नाइफ लेकर दरवाजे पे खड़ा हो गया। मैं डर के मारे कांप रहा था। मैंने विनोद से कहा कि कोई गलत काम ना करे। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ था कि काले बाथरूम से निकल आया, और इससे पहले कि उसे कुछ मालूम हो, विनोद ने उसे गले में चाकू काट दिया। ऐसा नहीं हो सकता विनोद, ऐसा नहीं है। हाँ, आप नहीं जानती, आपका पति बड़ा तेज है, हाजिर दिमाग है। उसने मुझे रुपए लेकर भाग जाने को कहा। मैं किसी तरह यहीं आकर छुप गया, बहुत डरा हुआ था। मैंने पैसों को छुआ तक नहीं। कुछ दिनों के बाद विनोद आया और रुपए लेकर चला गया। मुझे भी कुछ दिए। मैंने नौकरी छोड़ दी और घर पर ही रहना शुरू कर दिया। कभी कभी विनोद से मैं मिल लेता था, मगर जब से मैं बीमार पड़ गया उसने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि विनोद के खिलाफ कुछ कह सकूं। वो बड़ा तेज है, कुछ भी कर सकता है। और मुझे ये भी डर था कि मुझे भी जेल हो जाएगी। अब मैं टूट चुका हूं। अब मुझे किसी की परवाह नहीं मिसेस जोशी, किसी की परवाह नहीं। मुझे आराम की नींद चाहिए। मैं 10 साल से सोया नहीं मिसेस जोशी। खून, चीख, हर रात। प्लीज आप पुलिस के पास मत जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, थोड़ी देर और दे दीजिए प्लीज। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ठीक है, नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत दर्द होता है, चल नहीं सकता। प्लीज जोशी, थोड़ी मदद कीजिए, डॉक्टर के लिए थोड़े पैसे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी प्लीज।
सरजी साहब के यहाँ ले चलो। जी अरे मीना बेटी, अरे आओ आओ, कल ही हमने रिकॉर्ड किया, हमारे नया गाना सुनो। अभी तो टूटी है कच्ची मिट्टी, अभी तो बस जिस्माई गिरे। बाबा क्या गाना है। अभी तो निर्दारी मुझे है, ठहरो 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 बाबा। अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो की दास्तां आगे और भी है। अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो अभी सुलगते है रूह के गम पम पम गामा। क्या चढ़ी मध्यम है, क्या सुलगने का भाव आया है। मागरेसा अभी सुलगते हैं रूह के गम, अभी धड़कते हैं दर्द दिल के नी। निरे 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 क्या धड़कने का भाव लाया। बाबा क्या भारतीय संगीत है। अभी सुलगते हैं रूह के गम, अभी सुलगते हैं दर्द दिल के। अभी तो एहसास जी रहा है, अभी तो एहसास जी रहा है। ठहरो 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 बाबा क्या गाना है। अभी ना परहत बेटा परहत, आयुष दत्ती ने सिंग करा है, कैसा लगता है, ठीक है ना। ये और भी ओहो, मुझे तो सुना सुना कर बहरा कर दिया। बेचारी मीना बेटी को तो छोड़ दो, कब आई बेटी अभी, और बाहर जाना तो भूल ही गए। देखा क्या रोब जमा थी तुम्हारी का किया। कितने दिनों के बाद आई हो बेटी, बोलो क्या पियोगी। जी कुछ नहीं, कुछ तो लेना होगा। नहीं सचमुच। अच्छा, अच्छा है। ठीक है। और विनोद कब आ रहे दिल्ली से? एक दो दिन में। हाँ, बड़ा तेज दिमाग है उसका। मैं क्या, वही तो मुझे वैसा तीन क्लाइंट मुझे मिले थे, खुद आमिर बन गया, हमें भी आमिर बना दिया। काका जी आप हमको 10-12 साल से जानते हैं ना। 10 साल विनोद पहले हमारे पास 1963 में आया था ना। ओह माय गॉड 1963। हाँ 1963 में, लोगों की शादी के कुछ दिन बाद। क्या विश्वास था मुझ में उसका, अभी पन याद है। वो 1963 का मार्च का महीना था, गर्मी थी। विनोद हमारे ऑफिस में आया, पसीना पसीना था, बोला मिस्टर बैनर्जी लीजिए 50,000 रुपया 50,000 रुपीज कैश, मुझे आमिर बनाइए। हमारा धंधा ही है स्टॉक ब्रोकर का, इसका पैसा लो उधर डालो बढ़ाओ, फिर निकालो उधर डालो बढ़ाओ। मैंने उसको आमिर बना दिया, आई मेड हिम रिच। विनोद को वो पैसे कहाँ से मिले? कौन से पैसे? वो 50,000। वो हम जानता नहीं, उसने कभी बताया नहीं, हमने कभी पूछा नहीं। उसने आकर हमारे टेबल के ऊपर 50,000 रुपीज कैश रखा, कैश। क्या बात है बेटी? जी कुछ नहीं। फिर गाना सुनोगे बेटा? रहने भी दीजिए। अरे 3 मिनट गाना को लिए, 2 मिनट काका जी के लिए। बेटी तूने कुछ नहीं लिया, मैं अभी लाती हूँ। जी नहीं आज नहीं, तेरे जल्दी में हूँ। नमस्ते नमस्ते। जीती रहो बेटा। हमें डैडी को लेने जाना चाहिए था मां। कैसे मिट्टू, उनके सेक्रेटरी का फोन आया था कि दिल्ली से कुछ और लोग भी आ रहे हैं, वहां से सीधे ऑफिस जाएंगे। सो व्हाट, उनको अच्छा नहीं लगता। मिठू फोन मां, यू प्लीज।
374832. तुम्हारे ही इंतजार कर रहा था, बाकी सब ठीक है। आज दोपहर को उछल पड़ेगा। विनोद प्लीज, बाद में। बाय। वो डैडी का फोन था ना? हाँ। क्या कहा? तुम्हें तैयार रहने को कहा है, दोपहर में फिशिंग के लिए जा रहे हैं। ओह बॉय। डैडी डैडी पुल पुल। शू मिठू, देखा छोड़ गई ना। मिठू, फिशिंग का पहला रूल है चुप रहना। दूसरा, जब तक मच्छी अच्छी तरह ना फंस जाए इंतजार करना, और जब भागने लगे तब खींचना, समझ गए? हाँ डैडी, सॉरी। ओके, अब चुप रहना। डैडी, I got one। ओह लवली लवली, लाओ मिठू, लाओ मुझे दो मिठू, लाओ मुझे दो। इसे ज्यादा तड़पाना नहीं चाहिए, पत्थर पे सर मार के मार देना चाहिए। डैडी मुझे दो प्लीज। शू मिठू, इतनी जोर से नहीं, हल्के से। तुम्हें मालूम होना चाहिए कितना मारना और कहाँ। मम्मी मम्मी देखो, माय फर्स्ट फिश। मीना, मीना भागे क्या? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरी भी। मीना, हम इतने दिनों तक एक साथ रहे, एक दूसरे से प्यार किया, और एक एक दिन में हमारी जिंदगी उलट गई। मैं तो समझ रहा था कि एक सपना है, लेकिन नहीं। काका जी का फोन आया था, तुम उनके घर गई थी, तुमने उनसे पूछा कि मैंने इतना सारा रुपया कहां से हासिल किया। मैं मजबूर थी, मेरा जानना जरूरी था। विनोद केस के फौरन बाद तुम्हारे पास इतना रुपया कहां से आया? मीना, हर बात की अपनी एक हद होती है। अब तक ये बात सिर्फ हम दोनों में थी, लेकिन तुमने दूसरों को शामिल कर दिया। तुम समझती हो कि मैं खूनी हूं? बस बस, सब खत्म हो चुका है, अब हमारे बीच में कुछ नहीं रहा। लक्ष्मण सिंह, मैं उसे देख लूंगा, ठीक कर दूंगा उसे। नहीं विनोद, नहीं, तुम उसके पास कभी नहीं जाओगे। आदा करो तुम्हें मेरी कसम। क्यों, मैं उसका भी खून कर दूंगा क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा ब्याह सोने का कोई मतलब नहीं रहा, मैं मिठू के पास सोऊंगा। इससे शायद मुझे भी राहत मिलेगी, और तुम भी एक खूनी के साथ सोने से बच जाओगी। विनोद। हाँ मीना, मैं तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ तो मुंह फेर लेती हो, मैं तुम्हारी आंखों में झांकता हूँ तुम आंखें चुरा लेती हो, मैं तुम्हें छूता हूँ तुम्हारा मन मर जाता है। ऐसे पास रहने से दूर रहना अच्छा है ना? हाय मिठू, तुम अभी तक कॉमिक्स पढ़ रहे हो? आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। सचमुच? हाँ, स्कूल जाने में सिर्फ दो दिन बाकी हैं, और इन छुट्टियों में मैंने तुम्हारे साथ कोई वक्त ही नहीं गुजारा। गुड आइडिया। ग्रेट डैड। ओह लवली। लेकिन मम्मी अकेली सोएगी? वो तो कई बार सोती है ना? आई मस्ट टेल मम्मी। नहीं मिठू, मिठू, मिठू कम बा क्या? मम्मी डैडी मेरे साथ सो रहे हैं। ए बोलना नहीं, हमें आज मिस्टर मिसेस चौधरी को डिनर के लिए लेके जाना है। ड्राइवर की जरूरत होगी? नहीं, ऑफिस ने उनके लिए गाड़ी रख दी है, उसी में जाएंगे और उसी में आएंगे। डैडी मत जाइए, कल मैं वापस जा रहा हूँ। मजबूरी है बेटे, लेकिन आई प्रॉमिस हम लोग जल्दी आ जाएंगे। ओके ओके।
बहादुर, वो कोट और बैग लेके नीचे गया। बाय मिठू। बाय। मम्मी, तुमने मेरा चॉकलेट केक नहीं बनाया। मैं भूली नहीं मिठू, आज बना दूंगी। भाई साहब, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? मानसिंह साहब। नीचे बैठा उनको। वो ऊपर आ गए, बाबा साहब के साथ बेलकनी में बात कर रहे हैं। तुम जाओ, मैं आती हूं। जी भाई साहब। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं देहरादून में पढ़ता हूँ। अच्छा, इतने दूर रहते हो? बहादुर हो। वो शेर तुम्हारे डैडी ने नहीं मारा? नहीं, देसाई अंकल ने मारा। तुम्हारे डैडी शेर नहीं मार सकते? जरूर मार सकते हैं। जी नमस्ते। बोलिए। आप बहुत नेक इंसान है मिसेस जोशी, इतना कमजोर होते हुए भी आपसे मिलने आया हूँ। कैसे कहा, मेरे डैडी शेर नहीं मार सकते? नहीं बाबा, मुझसे गलती हुई, बिल्कुल मार सकते हैं। शेर क्या कुछ भी मार सकते हैं। मिठू तुम अंदर जाओ। ओके। अच्छा लड़का है। मिस्टर मानसिंह, आप यहाँ क्यों आए हैं? अगर मेरे पति को मालूम हो गया तो? घबराइए मत मिसेस जोशी, मैं अच्छी तरह पता चला कर आया हूँ। वो इस वक्त ऑफिस में है, मुझे मालूम है वो मेरी शक्ल से भी नफरत करता है। मैं आपको ये बताने आया हूँ, मैं पुलिस के पास नहीं गया। आपसे मिलने के बाद सोचा कि बीते दिनों की मैली चादर में आपकी खुशियां लपेटना मेरा पछतावा नहीं सबसे बड़ा गुनाह होगा। तो आपके बच्चे को भी देख लिया, बड़ा प्यारा बच्चा है। अब तो मैं कभी पुलिस के पास नहीं जा सकूंगा। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आप बिजी होंगी, मैं चलता हूं। सिर्फ एक बात, उस दिन आप फरिश्ता बनकर मेरे घर आई, आपने पैसे दिए, मैंने इलाज शुरू कर दिया। पहले से बहुत अच्छा है, मगर डॉक्टर का कहना है इलाज 2 महीने जारी रखना होगा। अगर आप कुछ और मदद करती तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखती हूँ, अंदर बैठिए। एनीथिंग एल्स? आपके लिए स्वीट डिश जी। ये नहीं लेंगे, डाइटिंग करती है ना। ओ, आपको डाइटिंग की क्या जरूरत है? भैया हम तो कॉफी लेंगे। ओके। आप क्या लेंगे, आइसक्रीम? जी नहीं, थैंक यू। मुझे तो डिनर के बाद कॉफी की बिल्कुल जरूरत होती है, आप भी लीजिए ना कॉफी। जी नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी। 3 कॉफी लाओ। खाना बहुत अच्छा था मिस्टर जोशी। यहाँ का खाना हमेशा अच्छा होता है। वैसे जोशी की चॉइस हमेशा अच्छी होती है। थैंक यू। प्रेजेंटिंग लवली लशियस रोजीटा। ये कहाँ आ गई मैं? जानवर ही जानवर है यहाँ। हाथी, शेर और बंदर भी है। बोलो कैसी लगती है, छोटी या बड़ी? दूर
भैया बस सुनो ना 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 हाय खून ये मुझे है या तलवार मुझे नहीं चाहिए अरे मुन्ना तुम मम्मी को छोड़कर कैसे आए लाडला बेटा प्यारा बेटा बड़े बनोगे चलो तो आंखें बंद करो ऐसे ओके रेडी I'm glad you liked it. Joshi, मजा आया। ये तो कुछ नहीं है ये तो बहुत पुरानी लड़की है अच्छा आजकल की नई लड़कियाँ और भी बहुत कुछ करती हैं। Really? My just imagine, I must say it. Excuse me, madam, Mrs. Joshi. क्या है? आपको रोजिता एक मिनट के लिए अंदर बुला रही है क्यों रोजिता रोजी कैबिन डांसर मैं किसी रोजिता को नहीं जानती प्लीज ये उनकी रिक्वेस्ट है आइए ना एक मिनट के लिए हाँ हाँ वो क्या है ना हम तब तो कॉफी पी लेंगे मैं अभी आती हूँ जोशी वो डिजाइन देखे थे शिपिंग के हाँ वो योगोस्लावियन जो है वो तो हमारे काम के क्योंकि हम पता नहीं ये सब कुछ मैं आपसे कैसे कहूँ आप क्या सोचेगी मेरे बारे में लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपने उस दिन मान सिंह को पैसे दिए थे ना हाँ आज फिर दिए हैं मिसेस जोशी मुझे नहीं मालूम आप ऐसा क्यों कर रही हैं फिर उसे पैसे मत दीजिएगा प्लीज लेकिन वो बीमार है डॉक्टर की फीस दवाई के लिए पैसे मिसेस जोशी शायद आप समझ रही हैं मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ अपने लिए मान सिंह मेरी जिंदगी में आज से नहीं कई वर्षों से है उसने नौकरी छोड़ दी मैंने कोई शिकायत नहीं की वो बीमार पड़ गया मैंने हिम्मत नहीं हारी हो सकता है आपकी हमदर्दी की वजह से मुझे कुछ हार जाना पड़े उस दिन आपसे मिलने के बाद एक्सक्यूज मी वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे ओह यस मैं जानती हूँ लेकिन जाने से पहले आप इतना और सुन लीजिए मान सिंह ही मेरी जिंदगी है डॉक्टर की फीस दवाई के पैसे
ये सब कुछ आप मुझ पे छोड़ दीजिए। उससे आपका क्या रिश्ता है मैं नहीं पूछती, जानना भी नहीं चाहती, सिर्फ शांति से जीना चाहती हूँ। मिठू तुम अभी तक जाग रहे हो? डैडी आई वाज वेटिंग फॉर यू। ये सब क्या है? तुम्हें कितनी बार कहा है कि स्लाइड में मत पड़ा करो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, फिर डैडी की तरह तुम्हें चश्मा पहनना पड़ेगा। खाना ठीक से खाया? हाँ माँ। डैडी आज ना टीवी पे टेस्ट मैच दिखाया। ग्रेग को देखा था? हाँ, आपसे भी लंबा था। अच्छा और क्या दिखाया? उसके बाद एक हॉरिबल आदमी था, जैसे आज सुबह ना एक हॉरिबल आदमी आया था। कौन आया था? मान सिंह। क्या कहा उसने? उसने कहा कि आप शेर को नहीं मार सकते। चलो अब सो जाओ। चलो डैडी पिकी राइट। डार्लिंग लुक एट द टाइम। मैं कल जा रहा हूँ ना वापस स्कूल डैडी, प्लीज एक बार। ओ मैं तो भूल ही गया था। ओ कम ऑन। मीना ये सब क्या हो रहा है? मानसिंह आया, क्या चाहता था वो? ये रोजी कौन है? तुम उसे कैसे जानती हो? तुम बोलती क्यों नहीं हा? और ये क्या है? हमें तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए मिसेस सुब्रमण्यम, और ये 500 रुपए ये तुम्हारे नाम मेरे ऑफिस में आए थे। ये सब क्या हो रहा है मीना, मुझे समझाओ, मुझे इन सब चीजों का जवाब मिलना चाहिए। मैं उसके घर गई थी। क्या तुम इसके घर गई थी? पता कहां से मिला? पुराने अखबार की फाइलों में से। और मानसिंह? मैं उसके भी घर गई थी। नो मीना नो। क्या कहा उसने? उसने मुझे सब कुछ बता दिया। विनोद तुमने ये किया कैसे? क्यों? हाँ क्यों? अलीबाग का मकान खरीदने के लिए, मिठू को बोर्डिंग भेजने के लिए, इस मकान के लिए, गाड़ी के लिए, सब ऐशो आराम के लिए, बस अब तो खुश हो। तुम मेरी मीना नहीं हो, कल तक मुझे उम्मीद थी लेकिन आज बहुत दूर जा चुकी हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर ये किस्सा खत्म क्यों नहीं होता? क्या सोचा तुमने? बोलो क्या करना चाहती हो? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम? ताजुब है, अब तक जो कर रही थी वो सब मालूम था। हाँ प्लीज विनोद, मुझे तकलीफ हो रही है। ओह आई एम सॉरी। तुम्हें तकलीफ हो रही है और मुझे? लेकिन एक बात याद रखो, मिट्ठू को इस बात का पता नहीं होना चाहिए। कल जब तक वो यहां है दिखावा ही सही, लेकिन तुम मेरी मीना बनकर रहोगी, समझी? हाँ डैडी। डैडी बैग। मिट्ठू पहुंचते ही चिट्ठी लिखना। हाँ माँ। बाय मिट्ठू। क्रिकेट टीम ऑफकोर्स, संभाल के जाना। तुम जाओ और खाने के लिए मेरा इंतजार मत करना। और तुम कहाँ जा रहे हो? मीना ये बताने की मैं तुम्हें जरूरत नहीं समझता। इतने दिन जो तुम कर रही थी क्या तुमने मुझसे पूछ के किया? मुझे बताकर किया। लाओ चाबी दो। मीना मुझे और परेशान मत करो, आज से तुम्हारा रास्ता अलग मेरा अलग। लाओ चाबी दो। विनोद प्लीज ऐसा मत करो, घर चलते हैं। चलो मीना चाबी दो, जल्दी करो, जाओ ड्राइवर। मान ये सब कर रहा है? यकीन नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आ रहा है वो ये सब क्यों कर रहा है।
कितनी शर्म की बात है। देखिए मेरा घर मेरे लिए सब कुछ है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन अपना घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। ऐसा नहीं होगा मिस्टर जोशी, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। वो ऐसा कर रहा है मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था, कितनी बुरी बात है। जी जी मान, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? क्या? ओ, तो आप सुना रहे थे। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं जानते क्या किया तुमने? रियली मान, तुमने ऐसी हरकत की कैसे? क्या किया है मैंने? मैंने तो कुछ नहीं किया है। तुम दोनों मिलकर क्या चाल चला रहे हो? You guys, मीना, शर्म नहीं आती? अगर तुमने दोबारा ऐसी गंदी हरकतें की तो फिर मैं तुम्हें देख लूंगा। छोड़ दो इसे, मैं वादा करती हूँ ये वैसा नहीं करता। इसे कह दो कि मेरे साथ चलकर मेरी बीवी को सब बात सच सच बता दे और ये खेल खत्म करे, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्लीज मान, इनके साथ चले जाओ मान, प्लीज। विनोद साहब, मुझे गरीब को धमकी देकर क्या फायदा? जाओ जाओ, अपनी बीवी को अपनी मर्दांगी दिखाओ, उसकी आंखों में देखो, क्या मेरे कहने से वो फौरन तुम्हें बेगुनाह मान जाएगी? जाओ, मुझ पर चीखने चिल्लाने से क्या फायदा है विनोद साहब? जब तुम अपने घर में अपनी बीवी को नहीं संभाल सकते तो यहाँ क्यों रौब जमाने आए? मान, यू अभी देखा तो तुम्हें अपनी मर्दानगी दिखाता हूँ, तुम आज बच नहीं सकते मेरे हाथों से। हट जाइए, हटो मत, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें आज, छोड़ो, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो, मुझे मत मारो, चलो तो मेरे साथ। शराबी खूनी, क्या सोचते हो तुम मुझे डरा सकते हो? 10 साल मैं मुर्दा था, अब मैं आदमी बन गया। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अरे जाओ जाओ, घर जाके खुद ही बताओ कैसे खून किया तुमने। जाओ बताओ। क्या बक रहे हो? इसे कुछ हो गया है, ये आदमी पागल है। छोड़ दीजिए मुझे, हट जाइए। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चाकू फेंक दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम निकल जाओ मेरे घर से। अरे अंदर क्या भागते हो? बाहर आओ, आप हट जाइए, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। मैं कहता हूं आओ, ना आओ, ना आओ, ना आओ, ना आओ। सॉरी, वो चाबी जरा खो गई, बहुत देर हो गई है ना, मिठू मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं उसके साथ जाके सो जाता हूँ। सॉरी, हाँ तुम सो जाओ, सो जाओ। यहाँ से चले जाओ मीना, प्लीज। तुम्हें क्या हो गया? एक खूनी को हाथ मत लगाओ। मेरी बात तो सुनो। सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं है। विनोद प्लीज, प्लीज, सब खत्म हो चुका है, इट्स ऑल ओवर। मुझे अकेला छोड़ दो, तुम जाओ, जाओ यहाँ से, लाइट्स ऑफ कर दो।
चलते रहने से मंजिल नहीं मिलती, रुक जाना भी एक मंजिल है। हाँ मैं रुक जाऊंगी, लेकिन विनोद ही कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसे महसूस भी नहीं होना चाहिए कि मैंने खुद अपनी जान ले ली है, लेकिन कैसे? मुझे हंसते हंसाते विनोद से विदाई लेनी पड़ेगी। नहीं विनोद, अब अपने को मुझसे दूर मत रखो। एक पागलपन था, खत्म हो गया। मुझे माफ कर दो। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? यही तो मुश्किल है, तुम कभी सपना नहीं देखते और मैं हमेशा सपने में खोई रहती हूँ। विनोद, तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं। मीना, क्या गुजरी है मुझ पे? मैं अंधेरे में खो गया था मीना, अकेलापन मुझे डसने लगा था, हर चीज खाली खाली नजर आ रही थी। शायद इसलिए कि तुम मुझ में नहीं थी। क्या बात गई, भूल जाओ पिछली बातों को, चलो अलीबाग चलते हैं। ये तुम कह रही हो? हाँ। और ऑफिस? सिर्फ एक दो दिन के लिए, तुम और मैं, सिर्फ हम दोनों। ओके। हीना। एक दी है एक जान है एक जाने जान, जान जान मिले जहाँ वही मेरा जहाँ, ओ मेरा जहाँ। कहाँ कहाँ? तुम जरा जमीन पे रख पाओ के निशान, झुक के चूम लेगा उस समय को आसमां, तुम्हारे पांव के निशान। वो निशान है कहाँ? छाओ छाओ चल रहा है धूप का धुआं। धुआं? हाँ धुआं। छाओ छाओ चल रहा है धूप का धुआं, ढूंढता हुआ तुम्हारे पांव के निशान, बता कहाँ है निशान। ए, मैं जरा गैरेज होके आता हूँ। अभी? अभी आया, 10 मिनट में। अच्छा तो मैं भी बीच पे जा रही हूँ। ओके जल्दी आना। विनोद रिकॉर्ड प्लेयर चल रहा है। हाँ हाँ मुझे मालूम है, चलने दो। इसी वक्त निकल जाना चाहिए, वापस जाऊंगी तो फिर उलझ जाऊंगी।
विनोद मिट्टू को संभाल लेगा। हिम्मत बटोलूंगी तो कोई मुश्किल नहीं होगी। मीना, 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 मीना तुम आत्महत्या क्यों मीना क्यों मीना तुम ऐसा क्यों कर रही थी मीना 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 आंखें खोलो मीना मीना देखो मैं तुम्हारा पास हूं तुम्हारा विनोद मुझे देखो मीना प्लीज तुम मुझे छोड़ के जा रही थी मुझे छोड़ के जा रही थी तुम रो रहे हो विनोद नहीं मत रो मत रो विनोद मत रो मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती मत रो विनोद मत रो तुम्हें मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं आया तुम्हारे बगैर मेरा क्या होता मिट्ठू का क्या होता मिट्ठू तुम्हारे बगैर मैं सोच भी नहीं सकता तुम दोनों एक साथ इतने खुश रहते मैं नहीं भी होती तो कोई कमी नहीं होती सोचो यही एक आसान रास्ता है यू फूल तुम्हारे बगैर हम कुछ भी नहीं है हमें तुम्हारी जरूरत है समझी ये देखो ये बस शेयर्स के रिकॉर्ड हैं जो मैंने पैसा काका जी को कमा के दिया था इसमें उसे एक एक पैसे का हिसाब है मीना मैंने बहुत कोशिश की अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकूं लेकिन पुरानी स्टॉक ब्रोकर की कंपनी बंद हो चुकी थी कोई हिसाब नहीं मिल रहा था अचानक मुझे ख्याल आया कि मेरे पुराने कागजात उन बक्सों में होने चाहिए जो मैंने बंबई से यहां भेजे थे और ये मिले मीना याद है वो मुसीबतों के दिन जब हम सिर्फ उम्मीद पे जी रहे थे मैं एक एक पैसा शेयर मार्केट में लगा रहा था सिर्फ इस उम्मीद पे कि एक दिन जरूर फायदा होगा वो दिन आया कि इसके फौरन बाद मुझे 50,000 रुपया मिला मैं कैश लेकर काका जी के पास गया और बाकी सब उन्होंने किया ये तुम देख लो ये वो 50,000 का हिसाब है Thank you.
यस मिस्टर विनोद जोशी यस मिसेस जोशी यस आपको मेरे साथ बंबई चलना होगा क्यों कल रात कोलाबा में रोजी का खून हुआ है डोनट हाउस में रोजी का शट अप मीना कुछ बोलना मत आप ही अंडर अरेस्ट नहीं मगर आप मेरे साथ चलेंगे तो अच्छा होगा कपड़े बदल सकते हैं हाँ यस कम ऑन मीना उसमें से मेरा चश्मा देना जल्दी तुम क्या कर रहे हो मैं जो कर रहा हूं मैं जानता हूं जरूरी है तुम क्यों भाग रहे हो मैं वहां गया था ओह गॉड कल रात में अपनी चाबियां वहीं भुलाया था मीना मेरी उंगलियों के निशान सारे घर में हैं और उस चाकू पे भी मेरी हिफाजत के लिए एक आदमी बहुत जरूरी है मीना नहीं तो वो लोग मुझे फंसा देंगे घबराओ मत हमें अरेस्ट किया गया तुम मत आओ यहीं बैठो विनोद प्लीज मुझे भी आने दो प्लीज नहीं मीना मैं उसे अभी लेके आता हूँ वो आदमी मिलेगा क्या विनोद क्यों नहीं मिलेगा उसके सामने रहता है उसका पड़ोसी है आप हैं देखिए मुझे आपसे जरूरी बात करनी है आपको मेरी मदद करनी है गवाही देनी है कल रात जो हुआ वो नहीं नहीं मैं कुछ नहीं जानता मैं पुलिस के झंझट में पड़ना नहीं चाहता आज सुबह भी पुलिस आई थी मैं उनसे नहीं मिला तो मुझे कुछ पता नहीं प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते नहीं, नहीं, नहीं आप समझते क्यों नहीं है आप एक मैं नहीं आऊंगा मैं नहीं आ सकता एक घर बर्बाद कर कहता हूं आपसे मैं नहीं आऊंगा नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा कैसे नहीं आएंगे जाइए मेरे साथ चलना ही पड़ेगा नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा अरे क्यों क्यों खामखा परेशान कर रहे हैं आप मुझे देखिए कितनी बार कहा अरे बाबा जाइए ना मार दीजिए मुझे मैं नहीं आऊंगा दवाई नहीं दी तो जाइए आप जाइए जाइए नहीं प्लीज इंसानियत के नाते देखिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपको कुछ नहीं होगा आपको सिर्फ वो कहना है जो आपने देखा है सिर्फ सच कहना है पुलिस को सिर्फ इतना कहना है कि कल रात जब मैं यहाँ से गया था तो रोजी जिंदा थी दरवाजा उसी ने बंद किया था बात सच है लेकिन ये पुलिस पुलिस के चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता देखिए देखिए मेरी बीवी और बच्चे के लिए हम लोग बर्बाद हो जाएंगे और पाप आपके सर लगेगा देखिए सोचिए मत प्लीज मेरे साथ चलिए प्लीज अच्छा चलिए थैंक यू जल्दी कीजिए मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा भालेकर साहब जल्दी कीजिए मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है आप पुलिस को उतना कहिए जो आपने देखा है जोशी साहब मैं अकेला आदमी ऐसी झंझट में कौन पड़ेगा और ऐसा होगा किसी ने सोचा भी था सच कहूं तो आज जाने के बाद मैंने चीख भी सुनी मार्सिंग छोड़ दो इसे मार्सिंग आपका गुस्सा अभी तक नहीं उतरा जोशी साहब मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे नहीं आगे मत बढ़िए आवाज मत करो आप इसकी भलाई चाहते हैं तो आगे आगे बढ़िए चलिए चलिए क्या मतलब चलिए जोशी साहब खून निकल आया है चलिए चलिए आगे बढ़िए
जोशी साहब, ये 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 लीजिए, दरवाजा खोलिए। खोलिए जोशी साहब, मुझे बचाइए, खोलिए खोलिए बचाइए। चाहिए जोशी साहब, अंदर जाइए, अंदर जाइए, जाइए जोशी साहब, अंदर जाइए। इसे कुछ नहीं करना है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें सचमुच जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चुपचाप अंदर से। जल्दी से किसी को बुला कर लाओ, तुम ठीक तो हो ना? जान खतरे में है, मैं अंदर बंद हूँ, जल्दी करो। किसी की जान खतरे में है, भागो। हाँ अभी आती हूँ। वहाँ कोई नहीं है मीना, नीचे जाओ, नीचे जल्दी करो मीना, जल्दी। इंस्पेक्टर साहब, आप अकेली? मिस्टर जोशी कहाँ हैं? जल्दी कीजिए, विनोद को मानसिंह के फ्लैट में बंद कर दिया गया है, प्लीज जल्दी कीजिए। मानसिंह के फ्लैट में बंद किया है, ये क्या चाल है? चलिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन, आप लोग ऐसा कानून से खेल नहीं सकते। राणे। यस सर। बिल्डिंग कौन कौन गया? मैं मानसिंह के पीछे था, मानसिंह के बाद सिर्फ भाई साहब अंदर गए। इंस्पेक्टर साहब, विनोद मानसिंह से पहले अंदर गया, प्लीज मेरी बात मानिए, एक मिनट ऊपर चल के तो देखिए, इस आदमी को कुछ नहीं मालूम। राणे ठीक है सर, मैं मानसिंह के पीछे था। मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए। मैं सच तो हूँ, प्लीज मेरी बात मानिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, विनोद की मदद कीजिए। आप ही को सब करना है, आप ही को चरना है, आप ही को गिरना है। नहीं नहीं, नहीं मुझे जान से मत मार डालिए, मैं आपके पैर छूता हूँ। चलिए। मिस्टर जोशी, मिस्टर जोशी, मिस्टर जोशी, मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं दस लूंगा, ले लूंगा। एक, दो, तीन, चार। मत मारिए। अभी अभी अंदर से आवाज आ रही थी। कुछ भी कीजिए, दरवाजा तोड़ दीजिए, प्लीज इंस्पेक्टर साहब। बाजू राणे, रुक जाओ, क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल हो गए क्या? तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? सिर्फ तुम्हारे खिलाफ सबूत बनाने के लिए। मेरे खिलाफ क्या सबूत है? सुब्रमण्यम के खिलाफ क्या सबूत था? तुमने भी पी थी, उसने भी पी थी, उसके उंगलियों के निशान सिर्फ चाकू पर थे, तुम्हारे निशान चाकू पर क्या सारे घर पर है? और तुम्हारी चाबी भी यही है, और वो भले करने तुम्हें रोजी का खून करके भागते हुए देखा, जैसे तुमने सुब्रमण्यम को देखा था। क्या बक रहे हो? मैं पागल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ गवाह दूंगा कि तुमने भले कर को मारा है। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ नहीं कर सका। जैसे कि पुलिस तुम्हारी बात मान लेगी। क्यों नहीं मानेगी, क्यों नहीं मानेगी? छोड़ो उसे। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ो? नहीं नहीं छोड़ोगे? भागो, मेरे तुझे तो पकड़े, मुझे पकड़े। भागो, कोई है? कोई है? खोलो दरवाजा, कोई है? कोई है?
कहीं और होंगे। अब आप कितने दरवाजे तोड़ने होंगे? बस हो गए मेहताब, चलिए मेरे साथ। कुछ गड़बड़ जरूर है, विनोद ने कहा था किसी की जान खतरे में है। वो लोग इंस्पेक्टर साहब, मेरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, विनोद को बचा लीजिए। करने सारी बिल्डिंग छान मारो, चलिए। रास्ता है आता दाखो तो हरकत नहीं। फांसी पे नहीं चढ़ाएगा, उससे पहले मैं अपनी जान ले लूंगा। नहीं मानसिंह, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मिस्टर जोशी, ऊपर मत आओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं नीचे कूद जाऊंगा। नहीं मानसिंह, नहीं ऐसा मत करना। मानसिंह मुझ पे यकीन करो, तुम नीचे आ जाओ तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो मैंने तुम्हें फालेकर से बचाया था ना, मुझ पे यकीन करो, नीचे आ जाओ, मुझ पे यकीन करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। आपको कोई नहीं फंसा रहा, नीचे आ जाइए प्लीज। नीचे आ जाओ मानसिंह, नीचे आ जाऊंगा, प्लीज प्लीज नीचे आ जाओ। मानसिंह कायर मत बनो, बताओ तो पुलिस को रोजी को किसने मारा और हमें किस लिए मार रहे थे? भालेकर भूल जाओ ये सब, मानसिंह हमें जानबूझ के थोड़ी मार रहा था, वो बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है। अच्छा अच्छा, मुझे पागल खाने भेजने की कोशिश चल रही है। नहीं मानसिंह, पुलिस स्टेशन चलो, ले चलो। वाह इंस्पेक्टर साहब, पकड़ा रहे उसे, मैं ही उसे मारने वाला था, नहीं तो वो मुझे पहले मारता था, बाद में इनको भी। आप खामखा जोशी साहब के पीछे पड़े हैं, कल रात ये जब गए तब रोजी जिंदा थी, मैंने देखा है। दरवाजा उसी ने बंद किया, उसके बाद मैंने चीख भी सुनी, लेकिन मैं झंझट में क्यों पड़ू? मानसिंह तुम्हें क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना है। कैसे नहीं बोलना मानसिंह, तुम सब सच सच बताओगे? तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, रोजी ने तुम्हें मना किया इसलिए तुमने उसे मार डाला, यही ना? रोजी आपसे कितना प्यार करती थी, आप ही के लिए जीती थी, क्या सचमुच आपने मारा उसे? कमीने, कितने नीच हो तुम, कितने सालों से मैं देख रहा हूँ रोजी ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, और तुम कुत्ते भी तुमसे ज्यादा ईमानदार होते। नहीं मैंने उसे नहीं मारा, आप लोग समझ नहीं रहे हैं, सचमुच मिसेस जोशी मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा, वो वैसे ही हो गया। आपको याद है मिस्टर जोशी, आपसे बचने के लिए मैं अंदर के कमरे में गया और लाइट भी बंद की थी। मिसेस जोशी के बारे में सोचिए, मुझ पर भरोसा रखिए, मिलने से इनकार कर दिया था ना, प्लीज घर चले जाइए। ठीक है, लेकिन आप इसे समझाइए। आओ अंदर आओ, हिम्मत हो तो शराबी हबूनी, अब तुम मेरी मुट्ठी में हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, आओ अंदर आओ। क्या समझ रखो अपने आप को, तुम डरते हो मुझसे, डरते हो मुझसे, आओ तुम्हारा खून का रंग दिखाऊंगा। मोहन, मोहन, ये तुम्हें क्या हो गया?
डॉक्टर को बुलाऊं। नहीं मां, नहीं, अब मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं, सब कुछ छोड़ दो, उनकी खुशी उन्हें वापस लौटा दो मां। ऐसी बात अगर भगवान माफ भी करे तो तुम्हारी रोज रोजे तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। बहुत देर तक हम वैसे ही रहे, आहिस्ते आहिस्ते उसकी जान निकल गई और मुझे भी जीना बेकार लगा, और फिर सुबह आ गई तो फिर मुझ में जीने की तमन्ना जाग उठी। इसीलिए जोशी साहब के खिलाफ मैं पुलिस में कंप्लेन भी दे दी, लेकिन अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद की सख्त जरूरत है मिसेस जोशी, मैं सचमुच 10 साल नहीं सोया हूँ। हाँ मिसेस जोशी, सिर्फ यही एक बात मैंने आपको सच बताई, 10 साल पहले उस रात मैं ऑफिस में सिर्फ पैसे चुराने के लिए गया था, काम पूरा हुआ था, इतने में अचानक काले बाथरूम से निकल आया। कठिन 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 किति पुरुष हृदय भारी, कठिन कठिन। सुबू सुबू सुबू, मैंने ऐसी चाकू गाड़ दिया और भागा, मैं बदनसीब था, काले मर गया। ओह गॉड, काले का खून भी तुमने किया था? हाँ मैंने, सुब्रमणियम बेचारा पहले ही घर चला गया था, काले ने समझा मैं सुब्रमणियम था, और तुमने भी वही समझ लिया। और वो चोरी के पैसे, उसका क्या किया तुमने? मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैं पानी के किनारे छुप रहा था, इतने में मैं सचमुच बदनसीब हूं, मैं तैर नहीं सकता, घर आया तो पता चला कि काले मर गया, इसके बाद डर के मारे मैं घर ही रह गया, बीमार भी पड़ गया। लेकिन वो खत इतने सालों बाद? ऐसे ही है, ऐसे ही मिसेस जोशी, कुछ दिन पहले मैं मिस्टर जोशी से मिलने को गया था, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, मैंने गुस्से में ऐसी कुछ लिख दिया, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप पर उसका कुछ असर होगा, लेकिन आपने उस खत पर यकीन किया और खुद पर दुख खींच लिया। क्या किस्सा है, तुम सचमुच बदनसीब हो, चलो जाने। सॉरी मिस्टर जोशी, आपको तकलीफ हुई, और मिस्टर भालेकर, अगर आपकी सब कल पुलिस को बताती तो आज ये तमाशा नहीं होता, राने चलो। इंस्पेक्टर साहब माफ कीजिए, भूल हो गई, लेकिन आज मैंने बहुत कुछ सीखा। जोशी साहब माफ कीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हो गई, मैं चलता हूं, नमस्ते। विनोद ठीक तो हो ना? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मीना, मैं भी एक खूनी हूं, मान सिंह ने काले का खून किया, सुब्रमण्यम का मैंने, 10 साल जिंदा मौत दी है मैंने उसे, मुझे मालूम था कुछ गलती हो गई, इसलिए पुरानी बातों से परेशान हो जाता था मैं। लेकिन विनोद, ये तुमने जानबूझकर तो नहीं किया? नहीं मीना, उन दिनों मुझे पूरा विश्वास था कि मैंने सुब्रमण्यम को देखा था और मेरी गवाही सच्ची थी, लेकिन केस के बाद न जाने मुझे ये बात क्यों खटकने लगी और मेरी परेशानी बढ़ गई। लेकिन उसके खिलाफ और भी तो सबूत थे। हाँ मीना, वो भी बदनसीब है, लेकिन अब मैं क्या करूं? परेशान मत होना भी, तुम हो, मैं हूं, सारी जिंदगी सामने है, हम पूरी जान लगाकर उसका घर फिर से बसाएंगे। ये
यह हो सकेगा मीना? हाँ विनोद। मीना